हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों दोस्तों गल्फ नौकरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो वैकेंसी आया है वो आज जो मैं वैकेंसी बताऊंगा उसमें अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियर हो, अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, या फिर सिविल से किया है डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है, मैकेनिकल और सिविल के लिए आज ज़्यादा वैकेंसी आई है। और उसके बाद सेफ्टी, अगर आपने कोई सेफ्टी का कोर्स कर रखा है, निवोस या ओसा या फिर कोई भी सेफ्टी से रिलेटेड आपने अगर किया रखा है, सेफ्टी से डिप्लोमा भी होता है अगर आपने कर रखा है, तो उसकी भी वैकेंसी है। तो दोस्तों आज जो है मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो है सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर का है। ओके, ये जो है ऑयल एंड गैस कंपनी का है, बहरीन का। ये जो आज मैं वैकेंसी अभी मैं बता रहा हूँ वो बहरीन का है। ओके, बहरीन कंट्री का वैकेंसी है। और ये जो मैं आपको पहला बता रहा हूँ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर का, और सुनिए दोस्तों अगर अभी मैं बताऊंगा जितने भी पोस्टों का बताऊंगा उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे पोस्ट लिख दूंगा, अगर उसमें कोई पोस्ट छूटे भी होंगे, अगर क्योंकि ये वीडियो लंबा चला जाएगा इसी कारण मैं नीचे भी पूरा पोस्ट लिख दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, जो जो पोस्ट है आप उस पर अप्लाई कर सकते हो तो आप अप्लाई कर देना। ओके, और मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके आप मेरे से हर चीज़ पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, और दूसरा है दोस्तों कंस्ट्रक्शन मैनेजर का। ओके, और उसके बाद है दोस्तों सिविल साइट इंजीनियर, सिविल साइट इंजीनियर का है। उसके बाद है एचएससी मैनेजर। ओके, एचएससी सेफ्टी डिपार्टमेंट में हो गया, एचएससी ऑफिसर। ओके, उसके बाद है कॉमर्शियल मैनेजर। ओके, उसके बाद है सिविल का क्यूसी। ओके, उसके बाद है दोस्तों मैकेनिकल क्यूसी, मतलब मैकेनिकल का जो भी क्यूसी हो उसका, ठीक है। और उसके बाद है प्रोजेक्ट अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का भी है इसमें। ओके, उसके बाद है एमएपी मैनेजर। ओके, मैकेनिकल का जो मैनेजर है वो मैनेजर का है। ओके, उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, मैकेनिकल इंजीनियर का भी है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी एक पोस्ट खाली है इसमें, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो। उसके बाद है कैड ड्राफ्टमैन, अगर आपने कैड कैम कोर्स किया है, कैड जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, अगर आपने वो कोर्स कर रखा है, अगर आपको उस फील्ड में नॉलेज है तो आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो। कैड कैम अगर आपने कर रखा है तो आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो। यह है कैड ड्राफ्टमैन का, सिविल के लिए है, मैकेनिकल वालों के लिए नहीं। ओके, और यह है कैड ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का भी है, दूसरे में कैड ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का भी है। उसके बाद है क्यूए क्यूसी मैनेजर, अगर आपने बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है और आपके पास क्यूए क्यूसी में डिपार्टमेंट में काम कर रखा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, आप यहाँ पे क्यूए क्यूसी मैनेजर में आप इंटरव्यू दे सकते हो। ओके, और एक है क्यूए क्यूसी असिस्टेंट। ओके, क्यूए क्यूसी असिस्टेंट का भी है। उसके बाद है प्लानर का है, वो भी सिविल का, प्लानर प्लानिंग में जो होता है वो सिविल वाला चाहिए प्लानिंग के लिए। ओके, और उसके बाद है प्लानर असिस्टेंट के लिए। ओके, प्लानर का जो होगा उसका असिस्टेंट के लिए। उसके बाद है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, पीएम के लिए, जिसको पीएम शॉर्ट में बोलते हैं, पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर। हमारे भी डिपार्टमेंट में पीएम और सीएम होते हैं, पीएम को बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, सीएम को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर। ओके, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो बहरीन कंट्री के लिए है। सैलरी आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, और यहाँ आप इंटरव्यू देने जाओगे तो ये जो इंटरव्यू है दोस्तों, ये जो इंटरव्यू है मैं आपको बता दूँ, ये 3 जगह में इंटरव्यू है, मुंबई, चेन्नई, बड़ौदा। ओके, और मे बी दिल्ली में भी होने वाला है। ओके, ये तीनों जगह फिक्स है, अगर इस तीनों जगह इसको इम्प्लॉय पूरा नहीं होता है तो ये जाके दिल्ली में इंटरव्यू लेगा, चौथा ऑप्शन दिल्ली में। ओके, लेकिन ये तीनों जो है मुंबई, चेन्नई और बड़ौदा, ये तीनों फिक्स है। उसके बाद लास्ट में अगर इसको वहां से नहीं पूरा होता है तो जाके आपको दिल्ली में इंटरव्यू होगा इसका। ओके, और दोस्तों सैलरी, सैलरी जो है ये आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, और आप इंटरव्यू में क्या क्या लेके जाओगे। तो दोस्तों आप इंटरव्यू में आप अपना पासपोर्ट ले जाना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना, जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है ओरिजिनल, सीवी ले जाना, वो भी अपडेटेड सीवी, जैसे रिसेंटली आप कहीं पे जॉब कर रहे हो उसकी भी नाम उसमें मेंशन होनी चाहिए। ओके, 3 चीज हो गए। और उसके बाद आपको बैकग्राउंड वाइट का 4 फोटो ले जाना है। ओके, 4 फोटो आपको एट अ टाइम उस समय चाहिए ही चाहिए। ओके, ये 4 चीज हो गया। और दोस्तों अगर आपके पास सैलरी स्लिप हो या फिर पिछले कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर हो तो आप उसको भी लेके आ सकते हो। और दोस्तों
इसमें जो मैं वैकेंसी बताया हूँ वो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का ही बताया हूँ, ओके। और फिर भी अगर आपको इसमें, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बोल रहा था, मेरे को लग रहा था कि ये वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा इसलिए, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में हर एक पोस्ट मैं लिख भी दे रहा हूँ, और सैलरी सबकी उसकी इंटरव्यू पे डिपेंड है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप लिंक दे दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ, आप उस पर बेहिचक कोई भी सवाल कर सकते हो। और आपको इस एजेंसी का, इस एजेंट का या फिर उस ऑफिस का नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप लिंक दे देता हूँ, आप उस व्हाट्सएप पे हमसे आप पूछ सकते हो। मैं आपका 110% साथ दूंगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा मैं अपना प्रॉब्लम समझ के आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ओके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और दूसरों को भी बताएं। थैंक यू।